कि क्या ये संविधान भारत के टुकड़े करने के लिए मिला, के लिए मिला। अच्छा, देश भर में सीएए को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों और विश्वविद्यालयों में हाल में हुई घटनाओं को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज एक संगोष्ठी रखी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभाग संयोजक अतेंद्र सिंह ने कहा कि वामपंथी विचारधारा के लोग भारत के हर विश्वविद्यालय में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं। वामपंथी बौद्धिक अराजकता को फैलाने से रोकने के लिए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को जागरूक करने के लिए एक संगोष्ठी रखी गई है। इस दौरान लोगों के द्वारा लोगों को समझाने का प्रयास किया गया कि वास्तव में हालात क्या हैं और क्यों हैं। उसके विरोध में राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, विश्वविद्यालयों में युवाओं को भड़काते हैं, लेकर के तमाम जब सब लोग इकट्ठा हो गए, ऐसी हालत में लेफ्टिस्टों को फुर्सत नहीं मिला कि आकर के वो और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े। ठीक है, ये लोग ये चाहते हैं ना कि जो है क्या कहते हैं, ये लोग ये चाहते हैं कि मतलब के अंदर में एक मतलब जहर का जो है निर्माण कर दें। ठीक है, लेकिन बेसिक बात यह है कि हमको हमारे देश का, हमारा जो लोकतंत्र है उसकी मजबूती की बात करनी पड़ेगी। हमारा मार्च यहीं पर रुकवा करवा लेते हैं। लेकर के तमाम जब सब लोग इकट्ठा हो गए, ऐसी हालत में लेफ्टिस्टों को फुर्सत नहीं मिला कि आकर के वो और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े। ठीक है, ये लोग ये चाहते हैं ना कि जो है क्या कहते हैं, ये लोग ये चाहते हैं कि मतलब के अंदर में एक मतलब जहर का जो है निर्माण कर दें। ठीक है, लेकिन बेसिक बात यह है कि हमको हमारे देश का, हमारा जो लोकतंत्र है उसकी मजबूती की बात करनी पड़ेगी। हमारा कि क्या ये संविधान भारत के टुकड़े करने के लिए मिला, के लिए मिला। अच्छा, इसी क्रम में हमारे जितने भी, अच्छा जो भी लड़के बीए के हैं, जो भी हैं ऐसे कोई बच्चे जो भी बोलना चाहते हैं, कोई अगर विचार रखना चाहते हैं तो आप वो हाथ को रखने का मौका देते हैं। हमारे पास कोई सेठ नेता नहीं है या सेठ हम लोग के थिंकर नहीं है कि आए और मतलब जो है अपना बात थोपने लगे आप लोगों के बीच में। अगर कोई बच्चा हो, अगर कोई ए बी बी ए का छात्र हो, अगर वो बोलना यहाँ पे है क्या अर्पित जी, वो आइए अपना 5 मिनट में, अपना 5-10 मिनट पे अपने विचार रख दीजिए। आप रखना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? ठीक है, आप 5 मिनट में अपना विचार समेटिए। हम लोग क्योंकि बहुत जल्दी इसको समेटने वाले हैं। 5-10 मिनट। युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी को नमन करता हूँ। जैसा कि हमारे बड़े भाई, हम सब के सीनियर अतेंद्र सर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तब हम अपनी सरकार का विरोध क्यों करते हैं? उसके विरोध में राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, विश्वविद्यालयों में युवाओं को भड़काते हैं, ये वामपंथी लोग युवाओं को टारगेट। मार्च यहीं पर रुकवा करवा लेते हैं। हाँ, तो यूनिवर्सिटी आप।